हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर, जेजेपी आपका विधानसभा चुनाव में नहीं होगा गठबंधन। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय का बयान इस पर आया है, जेजेपी आम आदमी पार्टी जिन्होंने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है और साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने बयान देकर साफ किया है, हरियाणा में चुनाव लड़ने की रणनीति पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन जो बड़ी खबर हमें मिल रही है जेजेपी आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, वो यही कि ये दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जेजेपी आम आदमी पार्टी जिन्होंने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, कहीं ना कहीं परिणाम मन मार्फत नहीं मिला, इसी का ये परिणाम है कि आने वाले वक्त में चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे, या माजरा कुछ और? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वे किसी भी पार्टी के साथ, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में किसी भी पार्टी के साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के परिणाम आम आदमी पार्टी को मिले, उसके बाद ये बैठक में निर्णय लिया गया है और ये पार्टी का बैठक के बाद लिया गया सामूहिक निर्णय है। और हरियाणा में जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, उस गठबंधन को विधानसभा में बरकरार रखा जाए, इस पर गोपाल राय की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वे किसी भी पार्टी के साथ न हरियाणा न देश में गठबंधन करने जा रहे हैं। किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जननायक जनता पार्टी जिस प्रकार से ये इंतजार कर रही थी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी या नहीं और गठबंधन के पुराने साथी के साथ जाने की प्राथमिकता जननायक जनता पार्टी की तरफ से बताई गई थी, आज उन तमाम गठबंधन की जो अटकलें थी विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ। बने रहिए हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, लोकसभा चुनाव में जैसे अरविंद केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला कहा करते थे कि हम ये जो जोड़ी है ये हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, उनके इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैडम, इस तरह के कोई बयान दिया है इसकी जानकारी अभी मुझे तो नहीं है। गोपाल राय जी का अगर जिक्र किया जा रहा है तो, और परंतु हम जो गठबंधन का धर्म है उसे निभाना जानते हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था कि हम गठबंधन जो हमने किया है आम आदमी से, हम उस गठबंधन के साथ हैं, आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, साथ लड़ना है, ये आम आदमी पार्टी तय करे। हम किसी भी गठबंधन जो हमने किया है उससे अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबा और एक सकारात्मक राजनीति इस प्रदेश में करनी है, तो हम कोई भी ऐसा कदम हमारी तरफ से नहीं है। और हम आम आदमी पार्टी का ये फैसला है सर कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या जेजेपी के लिए किसी भी तरह का नुकसान हरियाणा के अंदर अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कोई फायदा, अगर नहीं लड़ते हैं तो कोई नुकसान? पीछे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी दुष्यंत जी ने कहा था कि हम तो 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है, अगर वो साथ आते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो अलग लड़ना चाहते हैं उनका निर्णय है तो भी हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए। हमारे पास जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुधीर यादव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है, इस बात को मान रहे हैं आप भी? देखिए, मुझे पहला ये आप ही के चैनल से पता चला कि इस तरह का बयान आया, ऑफिशियली मेरे पास कोई अभी सूचना आई नहीं आधिकारिक कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर पाऊँ। लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय होगा, चाहे वो अलग लड़ने का हो, चाहे वो जेजेपी के साथ लड़ने का हो,
हम पार्टी के डिसीजन के साथ हैं, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, पिछली जो चीजें हैं उन पे बयान मतलब उन्होंने दिया होगा। ना मैं इस चीज को नकार रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया होगा, ना मैं इस चीज को पूरी तरह एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि आधिकारिक मेरे पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि गोपाल राय जी ने ऐसा कोई बयान दिया है। सुधीर जी और अरविंद जी, मतलब जेजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आप दोनों से एक एक करके मैं जानना चाहूंगी। सुधीर जी पहले आप बताएं, लोकसभा चुनाव हुए तो बड़े दमखम के साथ दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर कहा था कि ये जो गठबंधन है ये टेम्परेरी नहीं है और ये चुनावों को देखकर नहीं हो रहा है, ये मन मिले हैं तो आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ दोनों ही पार्टियों का, क्या उसका असर इसे माने, क्या कारण है? सुधीर जी पहले आप बताएं, फिर अरविंद जी का रुख करेंगे। देखिए, दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब दो पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो गठबंधन कर रहे हैं, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी वो गठबंधन है, वो मर्जर नहीं है दो दो पार्टियों का। तो क्योंकि वो मर्जर नहीं है, वो गठबंधन है, तो वो हमेशा ही तो स्थायी नेता तौर पे इतनी नहीं, बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं सर? दो गठबंधन है दो ठीक चीजें है, लेकिन होती हैं। इतनी बड़ी दो बड़ी बातें सही जो की जाती हैं। सहमत हूँ मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, लेकिन दो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि दो राजनीतिक दल जिनके जो वर्कर्स होते हैं और लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, और वो अगर वो आके साथ में चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक साथ एक मंच पे काम करने प्रेरित करने के लिए कई बार नेता कई तरह की बातें कहते हैं। जी और मतलब राजनीति आकांक्षाओं का खेल है, परिस्थितियों की चीज है, और राजनीति कभी भी इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ जीत या हार की हो। राजनीति होनी चाहिए लोगों की सेवा के लिए, और उस चीज के लिए चाहे गठबंधन हो चाहे ना हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को कोशिश करनी चाहिए जिस भी स्तर पे जी लोगों का मदद की जा सके उस लेवल पे मदद करनी चाहिए। सर, ये जो गठबंधन की राजनीति है, ऐसा लगता है जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन जिस तरह हुआ उसके बाद टूटा, जैसे मौका परस्त गठबंधन, मौका परस्त राजनीति। आम आदमी पार्टी को जब लगा कि यहां पर जरूरत है बिल्कुल जेजेपी बिल्कुल, की तो साथ आ गए, और अब कह रहे हैं हमें साथ नहीं चाहिए। मैं आपके आपके शब्द मौका परस्त से बिल्कुल असहमत हूँ। अगर मौका परस्त आप कहें तो आप कहें भारतीय जनता पार्टी को, क्यों? क्योंकि कभी वो इनेलो के साथ आप होती थी, अपनी बात आज करिए, जेजेपी की मैं बात नहीं, करिए, मैं गठबंधन आप आपको दोनों का है मैडम सर। मैडम मैं विद रिस्पेक्ट आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपने मौका परस्त गठबंधन कहा तो मैं मौका परस्त गठबंधन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौका परस्त गठबंधन कैसे होते हैं। कि कभी भारतीय जनता पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन करती थी, आज जब वो सत्ता में आ गई आपका तो गठबंधन वो भी तो मौका विपक्षी दल परस्त को ही है खत्म सर। करने पे लगी हुई है। ये मौका परस्त होता है, विधानसभा मौका चुनाव परस्त पास होता है है, मैडम। ये लोकसभा में आप दोनों साथ आए, बड़ी बड़ी बातें की, जनता को सपने दिखाए, हम तो एक ही पार्टी हैं, अरविंद केजरीवाल दुष्यंत चौटाला एक हैं, विधानसभा क्योंकि उसमें आपको परिणाम नहीं मिले, आप दोनों की पार्टियों का हश्र खराब रहा तो अब आप दोनों अलग हो गए। मैडम आप तो ऐसे बातें करें जैसे हम दोनों राजनीतिक दलों का ही प्रदर्शन खराब रहा और सबका बढ़िया रहा। सर मुझे 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 आपसे या जेजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेजेपी का जरूर इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी कि पहले नहीं, साथ मैं आ गए, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो बाद आपने में कहा कि साथ आप दोनों छोड़ दिया। राजनीतिक दलों का खराब रहा, क्या सिर्फ हम दो राजनीतिक दलों का खराब रहा या सभी विपक्षी दलों का खराब रहा? सभी विपक्षी दलों का खराब रहा, तो और आप तभी ये दो जो ही क्यों, गठबंधन दो बने ही तो मौके पर को क्यों जोर देखते कर रही है? हुए। आप गठबंधन की बात कीजिए, आप दो ही पार्टियों को ऐसे खत्म करने पर लगी हैं जैसे यही दुश्मन है आपके लिए हरियाणा की राजनीति में। मैडम ऐसा है, जो भी राजनीतिक दल है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इनेलो हो चाहे वो जेजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी, आप उनकी नीतियों पर सवाल उठाइए। गठबंधन पर क्यों सवाल ना उठाएं? आप नहीं, दोनों मैं नहीं, आए, मैं कह रहा हूँ आप दोनों नीतियों साथ का, आए, नीतियों का। मैडम आप दोनों हम साथ साथ आए, आए, आपने बड़ी बड़ी हम बातें साथ की, आए, आप लोगों का साथ आना कहीं ना कहीं असर नहीं दिखा पाया, फिर आप अलग हो बढ़िया। गए। मैडम मैडम गठबंधन बिल्कुल अब इस सही बात देश है। में क्या मैडम मौका आप जो कह परस्त रही हैं राजनीति आप बन चुका ना है? ना 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 क्या क्या भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद भारतीय भारद्वाज जी, राजनीतिक दलों के साथ अरविंद गठबंधन कर रही भारद्वाज है जी, मेरे वो नहीं मेरे है मैडम सवाल आपसे मौका भी पर। हैं। आम आदमी पार्टी के इस फैसले को आप किस तरीके से लेते हैं? ये आए आपके साथ रहे और इन्हें अब फायदा नजर नहीं आ रहा तो गठबंधन तोड़ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो मैडम ये है कि अभी तक ऐसा कोई बयान हमने नहीं सुना है जिस बयान की आप बात कर रहे हैं गोपाल राय जी का, अगर आपके पास है तो आप उसे सुनाएं, मुझे तो नहीं नहीं लगता अभी कोई गोपाल ऐसा बयान। गोपाल राय जी जो हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सर, और हरियाणा न्यूज बिना पुष्टि किए हुए कोई खबर ऐसे नहीं चलाता है, तो अगर आप विश्वास कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको विश्वास करना चाहिए, जी, और बयान भी आपको जल्द सुनवाया जाएगा। यदि अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो जी ठीक है, हम स्वागत करते हैं उस निर्णय का। हमने तो ना पहल की थी, पहले भी हमारी ओर से पहल नहीं थी और आज भी नहीं है। हम तो क्योंकि संबंध निभाने में विश्वास रखते हैं,
और दुष्यंत चौटाला जी ने कहा भी था, अभी एक पत्रकार ने उनसे 4-5 दिन पहले पूछा था अलायंस को लेके, तो उन्होंने कहा था कि हम ये विश्वास रखते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है तो हमारे साथ लड़े, हम मिलकर लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ना चाहती है तो हम 90 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम तो हमारी तो तैयारी पूरी 90 सीटों पर है। लेकिन जी, आपको पर्सनली ऐसा नहीं लगता क्या जेजेपी ये नहीं सोचती कि ये जो गठबंधन है जो मौका परस्त राजनीति का एक पार्ट हो चुका है देश में, जब पार्टियों को लगता है कि फायदे की बात है तो गठबंधन कर लेते हैं, जब लगता है कि असर नहीं हुआ फिर अलग हो जाते हैं, तो जनता के बीच में आपको नहीं लगता गलत संदेश जाता होगा कि कितनी मौके की राजनीति आजकल के नेता करने लग गए? बिल्कुल इसका संदेश अच्छा तो नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो गठबंधन था हमने विचारधारा की वजह से किया था कि हमारी समान सोच थी। अगर आज वो तोड़ना चाहते हैं तो फिर इस पर जवाब आम आदमी पार्टी देगी, ये तो कि क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह रही, इस पर जवाब तो वो देंगे। हमारी तरफ से तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही गई ना है, हम तो आज भी उसी बात पर स्टैंड पर क्लियर है, आज भी वही है। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि गलती हो गई जेजेपी से आम आदमी पार्टी के साथ आकर? नहीं, गलती और सही और गलत की बात नहीं है, बात विचारधारा की है हमारी। हमें इनका काम जो दिल्ली प्रदेश में किया वो अच्छा लगा, इनकी जो विकास को लेकर जो सोच है डेवलपमेंट को लेकर वो हमें अच्छी लगी, उसकी वजह से हम जुड़े थे। हमारा कोई पारिवारिक रिश्ते थोड़ी है इनके साथ, ये एक समान विचारधारा की बात थी और उसी की वजह से आज भी हम इनके साथ खड़े हुए। आगे अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये इनका निर्णय है। अरविंद जी, क्या किसी तरह का कोई मलाल लड़ाई मुश्किल होगी आने वाले वक्त में? किसी तरह का नुकसान, किसी तरह का मलाल, कुछ ऐसा कुछ महसूस कर रही है जेजेपी? कोई नुकसान नहीं था जब हम इनके साथ अलायंस में नहीं थे, उससे पहले भी हमें कोई नुकसान नहीं था, हमने जीत बाय इलेक्शन अपने दम पर लड़ा था और आज भी हम अपने दम पर लड़ने में सक्षम है। 90 विधानसभाओं में आज हमारा संगठन है, हमारे पास सभी जिलों में कार्यकारिणियां पूरी लगभग पूरी हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 90 की 90 सीटों पर लड़ने को तैयार है। जी बिल्कुल, सुधीर यादव जी, इस तरीके से किसी पार्टी को बिना जो है इन्फॉर्म किए और पार्टी के साथ साथ तोड़ देना, और गोपाल राय जी का खुलेआम कहना कि अब आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तक से आप लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए थे गठबंधन के लिए, कैसी राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है? सुधीर जी, आपका फोन कटा है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैडम मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, कांग्रेस पार्टी जिनके खिलाफ लड़कर आप लोग सत्ता में आए उन तक से गठबंधन को तैयार हो गए, फायदा कहीं आपको मिला नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ हाथ मिलाया नहीं, यहाँ जेजेपी ने आपके साथ हाथ मिलाया और अब देखा कि गठबंधन की राजनीति काम नहीं कर रही है, तो अब आपने गठबंधन की राजनीति से दूरी बना ली, जहाँ फायदा वहीं आम आदमी पार्टी जाना चाहती है। मैडम पहली बात तो मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि मुझे आधिकारिक सूचना है ही नहीं गोपाल राय जी ने ऐसी कोई बयान दिया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, मैं आपकी बात बड़ा रखते हुए उस चीज पे मतलब अपनी पार्टी की विचारधारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, जो आप कह रही है कि आप कांग्रेस के साथ चले गए, जेजेपी के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ आप हाथ मिलाना चाहते थे, गठबंधन की राजनीति आपने कितना, महागठबंधन की रैलियों में आप जा रहे हैं, गठबंधन को आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और आप गठबंधन से दूरी बना रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ये किस तरह का मतलब डिबेट है कि आप सवाल जवाब नहीं सुनना चाहते? आप सवाल नहीं, जवाब आपको बिल्कुल, जवाब से संतुष्टि नहीं मिल रही सर आपके? मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हाँ, हम कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े थे कि भाई आप गठबंधन कर लीजिए, उसका रीजन था जी। क्या क्या रीजन था? अखबार खोल के देखिए आप ये देखिए, हरियाणा सिलेक्शन कमीशन जो पूरा नौकरी देने के लिए लायबल है पूरे हरियाणा में, वो अवैध है, 3-4 साल हो चुके हैं, 5 साल होने को आ रहे हैं कंप्लीट, उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार की एक फाइल नोटिंग नहीं मिलेगी, ऑन रिकॉर्ड है ये। नहीं, आपके गठबंधन करने से सब कुछ ठीक हो जाता? बता रहा हूँ मैडम, वो बता रहा हूँ कि आप एक तरफ देश में ऐसी है लोकतांत्रिक सरकार है जो हर संवैधानिक पोजीशन को दाव पे खड़ा करती जा रही है, हर संवैधानिक पोजीशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस स्थिति में अगर विपक्ष भी खंडित होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होगा और इस देश की जनता को नुकसान होगा। सर आप इधर उधर की बात ज्यादा कर रहे हैं, आपकी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की बात हो रही है, गठबंधन एक मौका परस्त राजनीति इस देश में बन चुकी है, इसीलिए आपसे इतने सवाल जवाब सर मैं कर रही हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नरेश शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हैं। नरेश जी, जेजेपी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हश्र जो हुआ उसका ही असर है कि अब आम आदमी पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती। पीछे तो आपके भी बहुत पड़ी थी लेकिन आप साथ आए नहीं, क्या रिएक्शन आपका? नहीं देखिए, ये अनैतिक गठबंधन थे और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है
और इनको तवज्जो ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने साथ क्या नहीं आया, हम इनका कोई स्टेटस ही नहीं समझ रहे थे, कोई कैटेगरी ही नहीं समझ रहे थे, इनके हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कोई जनाधार आधार ही नहीं था इनका, तो ये अनैतिक स्वार्थी गठबंधन थे चंद समय के लिए, और ये जनता की धूल झोंकने का काम कर रहे थे जनता की आंखों में, जो चलिया नहीं, और जो आपके सामने इनका हर्ष हुआ वो आपके सामने है जी। और रही बीजेपी की बात है कि जो संवैधानिक सर बीजेपी बीजेपी को छोड़िए, अभी बात यहाँ जेजेपी और आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, आपका रिएक्शन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन गठबंधन की राजनीति क्या आप सिर्फ मौका परस्त राजनीति हो चुकी है जहां फायदा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था इसीलिए हमने इनके साथ जो है गठबंधन नहीं किया, तो क्या जनाधार जिस पार्टी का हो तभी पार्टियां साथ आती हैं, जब देखे कि कोई काम का गठबंधन नहीं है तो दूर हो जाती हैं, ये महागठबंधन की देश में बड़ी लहर चली थी और आज गठबंधन में साथ आई पार्टियों का जो हर्ष हो रहा है वो सच में सर सोचने वाली बात है कि जनता के बीच कितनी कितना हास्यास्पद ये पूरा घटनाक्रम हो चुका है कि जो पार्टियां इतना दमखम रख रही थी साथ आकर आज वो अलग अलग हो गई हैं क्योंकि उनके गठबंधन का कोई असर नहीं हुआ। नहीं देखिए, मैंने आपके चैनल पर भी बताया था और कई बार मैं लाइन पाया तो भी मैंने बताया था कि ये अस्थाई और अनैतिक गठबंधन है, नापाक राज्य है, इनके जनता की आपको मैं धूल झोंकने के, ये कोई स्थाई गठबंधन नहीं है और ये चुनाव के बाद में तय है टूटना और इनकी कोई सीट आएगी नहीं और वो टूट भी गया और कांग्रेस पार्टी के हमें ये ऑफर नहीं दे रहे थे, ये तो तीसरा एक सारा गरीब आदमी शब्द बेचता ना रेडी में। चलिए नरेश जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेजेपी आम आदमी पार्टी आप गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जहां तक गठबंधनों महागठबंधनों और जिसको प्रधानमंत्री जी ने महाठगबंधन कहा था महामिलावट कहा था उसके बारे में चुनाव से पहले हमारी राय जो थी वो बिल्कुल सही साबित हुई चुनावों के दौरान, वो ये कि ये अवसरवादी लोग हैं, इनका कोई केवल सत्ता प्राप्ति के लिए अवसरवादी कारणों से अवसरवादिता के चलते ये लोग इकट्ठे आए हैं जी। तो वो लोकसभा के चुनाव में साबित हो गया। अब जिन दो दलों का आपने जिक्र किया जपा और आम आदमी पार्टी जी, जी। दोनों का हरियाणा में लंबा चौड़ा कोई अस्तित्व न था न है, इन दोनों ने ये सोचा था जींद उपचुनाव में पहले और उसके बाद भी लोकसभा में भी कि ये लोग इकट्ठे आकर के कोई जादू कोई चमत्कार पैदा कर पाएंगे, यानी इनको लगता था कि शून्य जमा शून्य मिला करके कोई 10, 11, 20, 21, 100 कुछ हो जाएगा, गणित बदलता नहीं है जी। वीरेंद्र जी अगर ये दोनों पार्टियां अलग हो रही हैं तो क्या किसी तरह का कोई फायदा बीजेपी के लिए आपको नजर आता है? मैं जो गणित समझा रहा था उसको मुझे अगर आप पूरा करने दें तो बड़ा स्पष्ट जी सर, ये सवाल भी महत्वपूर्ण। शून्य शून्य जमा शून्य बराबर है सन्नाटा, इन लोगों के एक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था तो अलग होना भी लगभग वैसी सी ही स्थिति है, कोई लंबा चौड़ा अंतर उसमें आने वाला नहीं है जी। वीरेंद्र जी ये सवाल मैंने सभी नेताओं से पूछा है और आप भी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं तो आपका रिएक्शन भी इस पे जानना चाहूंगी। जो गठबंधन की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं देश में होती है, ये इतनी अवसरवादिता वाली राजनीति हो चुकी है, इतनी मौका परस्त राजनीति हो चुकी है कि जो गठबंधन एक साथ आकर दमखम भर रहे थे पार्टियां एसपी बीएसपी जैसी दो पार्टियां जो कभी किसी जमाने में दुश्मन हुआ करती थी वो तक साथ आ गए, जेजेपी आम आदमी पार्टी यहां पर अरविंद केजरीवाल और दुष्यंत चौटाला मिलकर कह रहे थे कि गठबंधन लंबा है और ये गठबंधन नहीं रिश्ता, इतनी बड़ी बड़ी बातें, जनता कैसे विश्वास करे नेताओं पर, जनता ही गठबंधन की राजनीति पर कैसे विश्वास करे? देखिए प्रजातंत्र में गठबंधन पहले भी होते रहे हैं आगे भी होते रहेंगे, लेकिन गठबंधन किनका हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है ये अपने आप में देखने की बात है। जो ये जो दो दल हैं इनका हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं है और जब वो इकट्ठे आ भी गए तो स्वाभाविक रूप से कोई परिणाम लाने की स्थिति में न थे न है और न ही भविष्य में होने की संभावना है। गठबंधन एज सच कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे घृणा की जाए, गठबंधन गठबंधनों की सरकारें इस देश में चली हैं, कांग्रेस ने भी एक गठबंधन की सरकार चलाई देश में और वो 10 साल चली,
भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में पहले सरकार बनाती रही है, आज भी हम एक गठबंधन है, लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन का आधार क्या है साहब? कोई विचारधारा है क्या? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? या केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि जैसे कैसे सत्ता को हड़पना है, लपकना है? तो इस आधार पर उसका विश्लेषण होना चाहिए। कुल मिलाकर हरियाणा की जनता ने जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विचारधारा की बात यहाँ नेता करते हैं कि विचारधारा के आधार पर गठबंधन होता है, लेकिन यहाँ तो मौके को देखकर, अपॉर्चुनिटी को देखकर गठबंधन हो रहा है। हमारे साथ नरेश जी भी लगातार बने हुए। नरेश जी, अब अगर आम आदमी पार्टी जैसा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पीछे थी कि आप हमारे साथ साफ गठबंधन कर लो, हरियाणा में जेजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है, अब अगर ये कांग्रेस पार्टी से संपर्क साधते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी दिलचस्पी दिखाएगी आम आदमी पार्टी के साथ साथ आने में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जनाधार आधार है, पार्लियामेंट के अलग इशू होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं, अलग एजेंडा होता है, विधानसभा का अलग इशू है, अलग एजेंडा है, और पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मैं प्रोफेसर साहब को विशेषकर बताना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, राज्यों के अंदर जितने भी बीजेपी ने गठबंधन किए हैं, या तो उनकी खुद की सीट इतनी आ गई कि वो सरकार बता सके और राज कर सके, नहीं तो चलिए, यानी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी आने वाले वक्त में, यही जवाब मुझे आपसे चाहिए था इसी सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सभी पार्टियों के रिएक्शंस जाने। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है गोपाल राय, उन्होंने दिल्ली में बयान जारी किया है कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रदेश में गठबंधन नहीं करेगी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टी इतनी तिलमिला रही थी तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए, हर राज्य में तमाम अन्य पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी जो है संपर्क साध रही थी, महागठबंधन की रैलियों में जा रही थी, और आज उसे गठबंधन की राजनीति से गुरेज है, गठबंधन से गुरेज है। क्या इसका कारण ये है कि उनकी इस गठबंधन वाली राजनीति को का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला? क्या गठबंधन एक मौका परस्त राजनीति हो चुकी है, सिर्फ अवसरवादिता हो चुकी है? अपॉर्चुनिटी देखकर ही दो पार्टियां साथ आती हैं, जो हालात गठबंधन के हुए पूरे देश में लोकसभा चुनाव के बाद, तमाम जो दुश्मन पार्टियां थी, एसपी बीएसपी जैसी पार्टियां भी साथ आ गईं, और उसके बाद जो हश्र उनका हुआ उसके बाद ये सभी पार्टियां अलग हो गईं। जनता के बीच संदेश कहीं ना कहीं यही गया है कि जहां जरूरत लगती है ये नेता साथ आते हैं, और जब इन्हें जरूरत महसूस नहीं होती तब ये अलग।